दोस्तों आपने नई और लग्जरी गाड़ियां तो बहुत सारी देखी होंगी, हमने भी आपको बहुत सारी लग्जरी कार्स दिखाई है, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं पुराने टाइम की, दादाजी के टाइम की यूनिक एंटीक गाड़ियां, जो कि यहां पर मेरे पीछे खड़ी है, इधर भी और इधर भी। ये जो सारी गाड़ियां ये अपने आप में बहुत ही खास है। और आज इन्हीं के बारे में हम आपको बताने वाले, गाड़ियां दिखाने वाले, इनके अंदर ऐसे मजेदार नए यूनिक फीचर्स भी जो कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये चीजें भी गाड़ी में होती है और उस जमाने में भी हुआ करती। तो भाई वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सब लोग वीडियो के लिए लाइक का बटन जरूर से दबा देना। फटाफट मुझे शुरू करते हैं अपना एंटीक कार कलेक्शन। दोस्तों यहाँ पर हमारे कलेक्शन में 10 एंटीक गाड़ियां हैं। गाइस ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, जो अभी गाड़ी आती है महिंद्रा की, कमांडर मेजर जैसा शेप इसका आपको दिखेगा, लेकिन ये वो नहीं है, ये है गाइस जीप। '68 का मॉडल है ये, 56 साल पुरानी गाड़ी है भाई ये। और ये जो है दुनिया की सबसे बड़ी सनरूफ वाली गाड़ी है, क्योंकि भाई ये गाड़ी ही खुली है। अगर आपको ज्यादा हवा लग रही है, आप स्पीड पे चल रहे हैं, तो आप विंड स्क्रीन जो है उसको आप लगा सकते हो। दो नंबर इसमें दो नंबर इसलिए है, ये इसका पुराना नंबर है, ओरिजिनल नंबर। अभी ये जो इसका नंबर है ये विंटेज वाला नंबर। इसकी लाइट्स देखो भाई, हेडलाइट चौकोर है और यही इसको एक बिल्कुल डिफरेंट शेप देती है। अभी आगे दो लोगों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन वैसे जो गाड़ी है 10 सीटर गाड़ी है। नहीं मोहित उड़ जाएगा वो। चलो गाइस अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि मुझे गाड़ियों का कितना ज्यादा शौक है, मैं गाड़ियों का कितना ज्यादा दीवाना हूँ, और हमेशा माइंड में रहता था कि यार आज के जमाने में गाड़ियां ऐसी आती है, पहले कैसे आती होंगी। तो वो जो पहले वाली गाड़ियां हैं वो ढूंढने में बहुत सारा टाइम, बहुत सारा मेहनत लगती है, और इसीलिए हम आपके लिए इतनी सारी जो एंटीक गाड़ियां वो लेकर के आ गए हैं। बढ़ते अगली गाड़ी की तरफ, ये है दोस्तों पद्मिनी, जो कि लगभग 50 साल पुरानी है। इसकी शेप देखो, पूरा यूनिक वाला, मतलब ऐसी कोई गाड़ी आजकल आती ही नहीं है। और इसके जो डोर्स है वो भी कुछ अलग तरीके के है, बटन दबेगा ये वाला तभी जाके खुलेगा। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर जो गियर है वो हाथ से लगता है, हैंड गियर है, हालांकि अभी भी गाड़ी में हाथ से लगता है, लेकिन ये स्टीयरिंग में से निकल रखा है। ये गाड़ी भी स्टार्ट है, स्टार्ट होके चलती है। और भाई इस गाड़ी जो सीटिंग कैपेसिटी ना वो 6 लोगों की है, क्या मजेदार चीज है भाई ये। ये जो इसका डोर है ना भाई, ये ऑटो क्लोजिंग डोर वाली टेक्नोलॉजी इसके अंदर है। अगर मैं इसका डोर खोलूंगा और इसको ऐसे छोड़ दूंगा ना, तो ये अपने आप बंद होगा। ये देखो दोस्तों, बढ़ते हैं अगली गाड़ी की तरफ, जो कि है ब्लैक कलर की, नई वाली, डिफरेंट एकदम शेप। और इस गाड़ी की बहुत सारी खासियत है। दोस्तों ये जो गाड़ी है, सबसे पहली मजेदार चीज तो ये है इसके डोर्स। ये जो है 1963 मॉडल है, 1963 का, और इसके जो डोर्स है ना, नॉर्मल गाड़ियों के यहाँ से खुलते हैं, इसमें तो है ही नहीं, यहाँ कुछ भी खोलने का। इसके जो डोर है वो आगे से खुलते हैं। ये देखो भाई ये क्या है गाइस, इसके डोर कैसे खुलते हैं उल्टे। और इन डोर्स को कहा जाता है। इस गाड़ी के अंदर जो है हाथ में गियर है, यहाँ पर इसके गियर जो है कुछ इस तरीके से लगते हैं। मीटर वगैरह भी है जिसमें स्पीड कितनी है भाई, इसमें है 140 तक की स्पीड दी हुई है भाई। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नाम पे एक करंट का मीटर है, जिसमें जो कि एम मीटर है, और एक ये किस चीज का भाई, ये प्रेशर का है आई गेस। और ये है एक और भी मजेदार चीज, वहां आओ फिर दिखाता हूँ। ये इसको कहा जाता है हंटिंग लाइट। जब राजा महाराजा ऐसी गाड़ियां लेकर के जाते थे और उनको शिकार करना होता था, तो वो क्या करते थे, ऐसी लाइट लेके जाते थे, और इस लाइट को यूज करते थे हंटिंग करने के लिए रात के टाइम, क्योंकि रात के टाइम में गाड़ी की हेडलाइट तो सामने दिखाएगी, तो अगर बगल में कुछ देखना है, कोई शिकार है, कोई जानवर, उसको शिकार करने के लिए इसको यूज करते थे। ये जो है यहाँ से घूमती है, मतलब ये गाड़ी के डोर पर यहाँ फिट हो जाती है इस तरीके से, और उसके बाद में जब इसको ऐसे घुमाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जो लाइट है वो मूव कर रही है, ये वाली। ये देखो मैं घुमा यहाँ से रहा हूँ, घूम यहाँ से रही है। और ये चीज भी दोस्तों कम से कम भी नहीं तो वही 60-70 साल पुरानी है, और ये जो है इस गाड़ी में भी लग सकती है भाई। कितनी सारी जगह है पीछे इसमें, चलो इसको बंद कर दो। दोस्तों उस टाइम पर इस तरीके की गाड़ियां रखना बहुत ज्यादा लग्जरी चीज मानी जाती है, जैसे आज के टाइम में रोल्स रॉयस है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, वो है, तो उस टाइम की यही लैम्बोर्गिनी फरारीज है। दोस्तों ये जो ब्लू कलर की गाड़ी है, ये है इस कलेक्शन की मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाड़ी। ये जो है हिंदुस्तान मोटर्स की 1954 मॉडल है, और ये जो है इसका नाम है हिंदुस्तान 14। इसकी शेप देखो भाई, ये कैसी गाड़ी है, मतलब पीछे से शेप आप देखोगे अलग ही डिजाइन है, यहाँ से अलग ही ये कर्व है, आगे से यहाँ से ही स्टार्ट हो जाती है।
ये वो वाली गाड़ी है प्रॉपर जो अंग्रेजों के जमाने में दिखती थी, वो पुरानी फोटोज में जो गाड़ियां दिखती है ना, ये वो वाली गाड़ी है। उस टाइम पर गाड़ियां बहुत दिन तक मतलब खड़ी रहती थी रोड पे, अगर नहीं निकला तो बैटरीज डाउन हो जाती थी। और उसके लिए यहाँ पर आगे एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो जो गाड़ी है वो स्टार्ट हो जाएगी बिना बैटरी के, बिना किसी एक्सटर्नल पावर के। और अब भाई एक लगभग 70 साल पुरानी जो गाड़ी है उसका इंजन आपको दिखाते हैं, और ये गाड़ी चलती है भाई बाकायदा। ये बोनट इसका ऊपर हो गया, और भाई ये देखो ये है अंदर का सिस्टम। यहाँ पर इंजन है, यहाँ पर इसका एयर इनटेक है, और एक बार ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा इस पे लिखा है मेड इन इंग्लैंड। सिंपल सा सिस्टम है, आगे रेडिएटर है। इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी डिफरेंट थी उस टाइम से। ये हो गया गाड़ी का बोनट बंद, अब आपको लेके चलते हैं गाड़ी के अंदर। ये मैं बैठ गया गाड़ी के अंदर, और अगर किसी को लगता है कि यार ये तो ऐसे खटारा सी पुरानी सी और रखी है, भाई नहीं, इन गाड़ियों की कीमत आज भी बहुत ज्यादा है। बंद नहीं हो रहा है, कर दिखा, हो जाएगा। यस भाई, गाड़ी के अंदर बैठकर क्या अलग ही फील आ रही है। और भाई मेरा ये जो साफ है, जो पगड़ी है, वो कैसी लग रही है नीचे कमेंट में जरूर से बताना। ये है भाई इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भाई, इतना सिंपल सा, जिसमें एक ये वाला मीटर है, एक ये वाला मीटर, ये स्पीड दिखाता होगा, टेम्परेचर का भी है, ठीक है। जो इसके गियर्स है वो आपको यहाँ हाथ में मिल जाएंगे, इस तरीके से इसके जो गियर्स है वो काम करेंगे। अगर आपको चलते चलते में हवा चाहिए ना, तो ये खिड़की अलग से खुलती है ये वाली, और ये इधर पे भी है, ये रही, ये खुल गई हवा के लिए। ये एसी है पुराने जमाने का। पुराने जमाने में अगर आपको हवा चाहिए सीधी तो वो इसमें से आएगी। पीछे की तरफ आप देखो इतना सारा स्पेस है, 6 लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं, 3 आगे 3 पीछे, जैसे कि मोहित अभी बैठा हुआ है। इसके कंट्रोलर्स देखो, ये वाला हो सकता है, इसको नहीं आ रही तो टक टक करता है ऐसे। ये जो चाबी है इसको घुमा के इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे भाई। दोस्तों यहाँ से जो गाड़ी है वो फ्यूल बताएगी कि गाड़ी में जो है कितना पेट्रोल अभी बचा हुआ है, और इसका कलर ही इतना अट्रैक्टिव है, एकदम मजेदार वाला। दोस्तों ये जो ब्राउन कलर में आप गाड़ी देख रहे हैं, ये है फिएट की मिलिसेंटा 1956 मॉडल, और इस गाड़ी की जो शेप है वो भी बहुत ही मजेदार लगती है मेरे को। एकदम यूनिक वाली शेप है, इसकी लाइट है देखो, यहाँ आके ये कैसे गोल हो जाती है। आजकल ये वाली शेप कहीं नहीं मिलती है, पुराने टाइम पे मिलती थी। और ये वाला लोगो या ये वाली चीज देखो अब क्या है भाई, आगे इसका गेट जो है वो खुलेगा यहाँ से। इसके अंदर भी दोस्तों वही से कुछ इस तरीके से खुलते हैं सामने से, बैठ के देखे कि अंदर आने का जो है क्या मजा है। ओ भाई इसके अंदर तो बहुत ही मजेदार फील है इसके अंदर। गाइस अपन एक भी गाड़ी चला के नहीं देखी अभी, चला के देखते हैं। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा मजा है। यहाँ पर देखो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि काफी छोटा है साइज में, मेरे हाथ से कंपेयर करो इतना ही बड़ा है ये, मेरे को तो बहुत छोटा लग रहा है, गो कार्ट की तरह। इसमें जो गियर है वो यहाँ पर लगता है जैसा नॉर्मल गाड़ियों में लगता है, मैनुअल गाड़ियों में। आप लोग मीटर्स वगैरह देख सकते हो कितने सारे यहाँ पर मीटर्स है, सब कुछ मैनुअल है भाई यहाँ पर। इसमें भी गाइस वो वाला फीचर है कि अपन जो ये वाली खिड़की है इसको खोल सकते हैं, लेकिन अभी शायद ये थोड़ा सा खराब हो रखा है। इसको खोलने के लिए इसको ऐसे करना पड़ेगा तब ये जो है खुल जाएगा, और कुछ इस तरीके से इसमें से बाहर निकल सकते हैं, जैसे मैं निकल गया। दोस्तों बहुत देर से आप गाड़ियां ही देख रहे हैं, अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। आपकी भी इच्छा हो रही होगी कि इन गाड़ी की आवाज कैसी आती है, कैसे इंजन चलता है, और ये गाड़ी चलती है नहीं चलती है। गाइस अभी जो है सारे रास्ते पर्दा हटाते हैं, अंदर बैठेंगे, स्टार्ट करते हैं इसको। लाइट आ गई है, गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई। भाई साहब ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसकी आवाज सुन सकते हो भाई, मस्त आवाज है भाई, एकदम करंट वाली आवाज है। दोस्तों जो पहला गियर है वो डलता है ऐसे करके, ऐसे जो नॉर्मल गाड़ियों में डलता है, और गाइस ये गाड़ी चल रही है भाई, अपने इंजन से चल रही है। अब इसको रोड पे भी चलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बार सारी गाड़ियां दिखा देते हैं। चल गई। गाइस इस गाड़ी को मैंने उल्टा खड़ी कर दिया है, ओके। और अब आप जो गाड़ी है उसका पीछे का लुक भी देख सकते हैं भाई। दोस्तों एक और बहुत ही खास चीज इस गाड़ी पे लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है राम। दोस्तों ये जो शानदार गाड़ी आपको दिख रही है, ये है फिएट की एनी 118। और ये जो गाड़ी, इसकी शेप देखो भाई, ये गाड़ी बनी थी कंफर्ट के लिए। बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज में भी आपने इसको देखा होगा, इसका जो लुक है वो साइड एंगल से भी बहुत ही तगड़ा दिखता है। और इस गाड़ी खासियत है इस गाड़ी का सस्पेंशन, यानी कि कंफर्ट, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है। इसमें एसी वगैरह भी आता था, और एक बार अगर इसको ऐसे दबाएंगे तो देखो भाई पूरी गाड़ी जो है वो ऐसे डांस करने लग जाएगी, क्योंकि इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत ही अच्छे है। गाड़ी को अगर अंदर से खोल कर देखें तो भाई साहब इसका जो इंटीरियर है वो भी लग्जरी है। और ये गाड़ी है जो की है मेरी, ये है गाड़ी का इंटीरियर। अंकित बैठ गया, अंकित पिचका मत देना इसको, अबे साले। और इसमें आपको मॉडर्न चीजें दिखेंगी, ये वाली चीजें भी आ गई है यहाँ पर, म्यूजिक सिस्टम भी है, एसी भी है यहाँ पर। ये स्पीड वगैरह इसमें सारी चीजें आपको दिखाएगी, किलोमीटर दिखाएगा, ट्रिप मीटर है। यहाँ पर गियर्स लगते हैं, आप लोग देख सकते हो कौन सा गियर कहाँ लगता है।
पीछे भी काफी स्पेस है और ये जो है एक 5 सीटर गाड़ी है गाइस। अंकित क्या कर रहा है? मेरे को स्टाइलिश गाड़ियां पसंद है। अच्छा ठीक है, समझ गया। और सेम ऐसी ही गाड़ी यहाँ पर भी खड़ी है, ये भी जो है सेम गाड़ी है। अंकित तेरी गाड़ी है ना, इधर देख, इस गाड़ी का बोनट खोल के दिखा दे मेरे को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अंकित अभी तो अंदर ढूंढ रहा है कि अंदर क्या चीज है, कैसे खुलेगा बोनट। ढूंढ रहा हूँ। तो फिर क्या गाड़ी है तेरी? रुको एक मिनट। या वो एक्चुअली क्या, मेरे को काफी दिन हो गए ना चलाए हुए, तो मैं भूल गया। अरे खुल गया वो तो। नहीं वो तो खुल गया, अब इसको खोल, इसको खोल भाई। मुझे पक्का यकीन है कि ये इसको नहीं खोल पाएगा, उखाड़ देगा वो तो। पता नहीं ये हो गई, हो गया ये। कुछ भी जाम नहीं हुआ, इसकी हो गई टाई टाई फिस। और गाइज इससे ये बिल्कुल नहीं खुलेगा, इसको मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। गाइज ये पता कैसे खुलता है? हट जा उधर से, हट जा यहाँ से। अरे यार भूल गया। इस तरीके से, और गाइज उल्टा खुलता है इसका बोनट। ये गड़बड़ है बाबा। यहाँ पर आपको गाड़ी का इंजन वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा। भाई भाई क्या लग रही है ये गाड़ी सामने से, लेकिन जैसे इसको बंद करेंगे ये जो है वापस से नॉर्मल शेप में आ जाएगी। और ये बेसिकली इसलिए बनाया गया था, अगर चलते चलते गाड़ी का ये वाला लॉक टूट जाए तो गाड़ी का बोनट हवा से ऊपर ना उड़ जाए। दोस्तों ये है 1980 का सेम वही गाड़ी पद्मिनी मॉडल जो मैंने आपको दूसरे नंबर पर दिखाया था। और इसके बाद में एक और गाड़ी है, ये बहुत ही खास है, बहुत ही डिफरेंट है। और ऐसी गाड़ी तो आपको कहीं पे ही नहीं मिलेगी भाई, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। दोस्तों ये वाली जो गाड़ी है ये है व्हाइट कलर में, वही पद्मिनी। अब आपको ज्यादा बोर ना करते हुए सीधा इन गाड़ी को चला के दिखाते हैं, रोड पे लेके चलते हैं। जो गाड़ियाँ आप लोग देखना चाहते हैं जो एकदम एंटीक वाली, यूनिक वाली है, एक तो ये वाली गाड़ी मेरे हिसाब से मस्त है। और एक गाड़ी किसी और को देखते हैं, वो फर्स्ट वाली चलाते हैं गाइस, वो वाली। मैं आ गया हूँ इस जीप के अंदर। सारी गाड़ियां इतनी जबरदस्त लग रही है चलने में, उनको देखने में इतना मजा आ रहा है कि तो सोचो उसमें बैठने में और उसको चलाने में कितना मजा आएगा। तो गाइस ये गाड़ी जो है भाई मैं चला रहा हूँ, और इसको चलाना जो है एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में। इतनी पुरानी पुरानी गाड़ियां लाइन में लगी हुई है, चलने के लिए तैयार है। लेकिन गाइस ये गाड़ियां जो अपने आप में बहुत सड़क पे इन गाड़ियों को देखने का वो फील आता है, ऐसा लग रहा है कि मूवी देख रहे हैं रियल लाइफ में। ये मोड़ दबाओ, ये कौन सा है? और भाई इन गाड़ियों में बैठने का एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल है, ऐसा एक्सपीरियंस किसी बड़ी से बड़ी और महंगी से महंगी गाड़ियों में नहीं आ सकता भाई। अब मैं गाड़ी चेंज करूंगा, दरवाजा उल्टा खोल के आपको एक बात बताऊं, इस गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं आती। उस टाइम पे सीट बेल्ट नहीं आती थी, मेरे हिसाब से 1980 के आसपास आने लगी थी। इसमें सीट बेल्ट की जगह ही नहीं है ना, यहाँ पे कुछ लगाने का है। अरे चलो ना रेस मारो।
तो गाइस इन गाड़ी को चलाने के बाद में अब जो दिल है वो एकदम खुशा हो गया है भाई। बिल्कुल मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा आज का पूरा, और मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत मजा आया होगा ऐसी गाड़ियां देख के जो कि आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी। तो इस वीडियो के लिए गाइस लाइक का बटन जरूर से दबा देना, और ये जो गाड़ियां हैं गाइस ये किसकी है, कहां पर है, तो वो आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। अभी इतना बता देता हूँ, ये जो गाड़ियां हैं एक म्यूजियम के अंदर खड़ी हुई है और इनको कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लगा है। तो उस म्यूजियम की जो बाकी चीजें हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो के लिए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलना। हम आपको ये नई यूनिक चीज़ें दिखाने के लिए बहुत दूर तक ट्रैवल करते हैं, बहुत सारा टाइम लगाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं तो हो पाता है। तो हमारी उस छोटी सी मेहनत के लिए गाइस आपका छोटा सा एफर्ट जो सब्सक्राइब बटन दबा करके हो सकता है उसको पूरा करना मत भूलना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।